कुमाऊं डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कालाढूंगी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस बल की शारीरिक दक्षता का आंकलन और हथियारों की जानकारी लेने के साथ पुलिस कर्मियों के लिए भोजन की गुणवत्ता का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए। कुमाऊं डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह कालाढूंगी थाने का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नैनीताल पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा भी मौजूद रहे। डीआईजी डॉक्टर रावत ने निरीक्षण के दौरान पुलिस बल की शारीरिक दक्षता का आंकलन किया। उन्होंने शस्त्रागार में रखे हथियारों की जानकारी लेते हुए उनकी साफ सफाई व मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। डीआईजी डॉक्टर रावत ने मैस का जायजा लेते हुए पुलिस कर्मियों के भोजन की गुणवत्ता को उच्च कोटि का रखने के निर्देश भी दिए। वार्षिक निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है रेंज ऑफिस की तरफ से, और इसका जो मूल उद्देश्य होता है ये होता है कि जो थाने की कार्यप्रणाली है, जो सामान्य गतिविधियाँ होती हैं उनमें अगर कोई कहीं कोई कमी है या कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसकी ओर थाने का ध्यान आकर्षित करना, ताकि थाने की जो गुणवत्ता है और उसकी कार्यप्रणाली में उसमें सुधार हो। मेरे द्वारा आज अभी पूरे थाने के परिसर का निरीक्षण किया गया है। यहाँ के जो मुख्य मुख्य संबंधित माल हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है और थाने के रजिस्टरों का अवलोकन किया जा रहा है। फिलहाल इसमें कोई ऐसी विसंगति सामने नहीं आई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें सुधार की गुंजाइश है, उसके संबंध में यहाँ पर आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।